मुंब्रा के रेती बंदर रेलवे पटरी पार करते समय अब तक 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिस पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तत्काल मध्य रेलवे से MRVC FOB के निर्माण कार्य शुरू करने को कहा है, वरना NCP 5वीं और 6वीं मार्ग का काम नहीं होने देगी। ऐसी चेतावनी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दी है। थाने महानगर पालिका के कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम रूम जहां समय से पहले बंद करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि वहीं दूसरी तरफ मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े मिलने से खलबली मच गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए हॉस्पिटल प्रशासन ने उचित कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। थाने कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में आवेदन दायर करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ वसूली के मामले दर्ज हैं और वो फरार हैं और समन पर पूछताछ के लिए हाजिर भी नहीं हो रहे हैं। भिवंडी निजामपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा तंबाकू से भरे एक टेम्पो को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित गुटखा तंबाकू जो बरामद किया गया है उसकी कीमत 42,64,000 रुपए बताई जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में 247 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आंकड़े बढ़कर 5,65,366 हो गए हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमण से 6 लोगों की जान चली गई है, वहीं मृतकों की संख्या कुल बढ़कर 11,516 हो गई है।